ओकाड़ा यूनिवर्सिटी की जानिब से सलमान गनी के एजाज़ में तकरीब जैद सहाफ़ी को सदारती अवार्ड बराए हुसन कारकर्दगी मिलने की मुनासबत से मुनक्कित हुई। मसूद हाशमी से की रिपोर्ट के मुताबिक ओकाड़ा यूनिवर्सिटी के शोबा बलागियात की जानिब से सीनियर सहाफ़ी सलमान गनी के एजाज़ में एक तकरीब मुनक्कित की गई, जिसका मकसद उनको सदारती अवार्ड बराए हुसन कारकर्दगी मिलने की खुशी मनाना और उनकी सहाफ़ी खदमात को खराज तहसीन पेश करना था। तकरीब की सदारत यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अख्तर ने की, जबकि सलमान गनी इस तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। इस मौके पर प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद वाजिद समेत असातिज़ा, इंतजामी अफसरानों, ओकाड़ा की सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान की एक बड़ी तादाद भी मौजूद थी। तकरीब के इफ्तिताही सेशन से खिताब करते हुए शोबा बलागियात के सरबरा डॉक्टर जाहिद बिलाल सलमान गनी को खिदमात और अपने शोबे की चीदा कामयाबियों पर रोशनी डाली। उनका कहना था कि सलमान गनी जैसे जैद सहाफ़ी का सहाफ़त के तुलबा से तामुल उनके लिए ना सिर्फ हौसला अफजा साबित होगा बल्कि उन तुलबा के करियर्स के लिए मशल रहा भी बनेगा। उन्होंने तुलबा को नसीहत की कि वो ना सिर्फ अपनी सलाहियतों को निखारें बल्कि अपने अंदर मुस्बत और मुहिब वतन सोच भी पैदा करें। वाइस चांसलर ने अपने खिताब में सलमान गनी को सदारती अवार्ड बराए हुसन कारकर्दगी मिलने पर मुबारकबाद दी और उनको एक मुहिब वतन सहाफ़ी करार दिया। उनका कहना था कि सलमान गनी जैसे सहाफ़ी इस मुआशरे के लिए उम्मीद की किरण है। प्रो वाइस चांसलर ने भी सलमान गनी को खराज तहसीन पेश किया, उनसे दरखास्त की कि वो बतौर मेंबर सिंडिकेट यूनिवर्सिटी की बेहतरी और तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करें।